अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल ब्यूटी। मेरा नाम सना है और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, मेकअप से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और वो बिल्कुल मेरी ऑनेस्ट ओपिनियंस होते हैं आप लोगों के लिए। आज की वीडियो जो है वो बहुत सारी मुझे ईमेल्स रिसीव हुई हैं इस वीडियो के बारे में, तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा रमज़ान मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और रमज़ान जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड मंथ है, और इस मंथ में हम पे बहुत ज़्यादा बरकतें जो है वो नाजिल होती हैं, हमारी दुआएं कबूल और मंजूर होती हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मैं भी आप सब लोगों को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखूँगी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो वीडियो है वो इस फाउंडेशन ट्रिक के रिलेटेड है। जब हम अपनी स्किन पे फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो जो फाउंडेशन है वो सही तरीके से हमारी पोर्स के अंदर नहीं अब्जॉर्ब होती, जिसकी वजह से समटाइम्स हमें पैची पैची स्किन महसूस होती है या हमारे पोर्स विजिबल होते हैं और करीब से देखने से बहुत ही बुरा लगता है। तो आज मैं उसके बारे में आपको एक ट्रिक दूंगी कि किस तरीके से आप फ्लॉलेस वे में अब जो है वो अपनी स्किन पे फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बातें कम करते हैं। मैंने यहाँ पर एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वैसे तो मेरी स्किन जो है वो आपने मुझे देख ही चुके हैं आप लोग मेरी पिछली वीडियो में, पर अभी मैं आपको ये बता दूं कि मेरी स्किन पे जो है वो पोर्स नहीं है, तो इसलिए उसकी डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे तरीके से नहीं हो सकती थी। तो इसलिए मैंने आज इसको, इस फ्रूट को जो हमारा ऑरेंज फ्रूट है, इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारी स्किन के बहुत हमारी स्किन बिल्कुल इससे रिलेटेड है। ऑरेंज जो फ्रूट है, हमारे जैसे इसके ऊपर पोर्स होते हैं, हमारी स्किन पे भी इसी तरीके से पोर्स होते हैं, जैसा कि आप करीब से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जब अप्लाई करनी है अपनी फाउंडेशन, तो हमने किस तरीके से अप्लाई करनी है और प्राइमर, हमारी फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले प्राइमर क्या काम करता है और प्राइमर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि नहीं, आज वो सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक लिया है एक ब्रश, ये ब्रश कोई सा भी आप ले सकते हैं, ये फ्लैट ब्रश है बिल्कुल आगे से, और ये बहुत फर्म है, ये फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये देख सकते हैं आप। ये इसको स्टिपलिंग ब्रश भी कहते हैं और या कट ब्रश भी कहते हैं। ये पाउडर को भी अंडर आई सेट करने के लिए भी यूज होता है, कंटूरिंग के लिए भी समटाइम्स यूज हो जाता है, ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं आप, फिंगर भी यूज कर सकते हैं। मैं तो पर्सनली फिंगर से ही फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ और उसमें बहुत कंफर्टेबल होती हूँ, लेकिन आज मैं आपको इससे ब्रश इस्तेमाल करके बताऊंगी। ये कोई चाइना का ही ब्रांड है, ये मैंने एक लोकल शॉप से बाय किया है। तो आज इस वीडियो के अंदर जो फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ वो है क्रायोलाइन की टीवी पेंट स्टिक। क्रायोलाइन, एक्चुअली लाइट पड़ी है तो वो आपको नजर नहीं आ रहा, टीवी पेंट स्टिक है क्रायोलाइन की, और इसका शेड जो है वो है आइवरी। और जो प्राइमर है वो मैं आज जो यूज कर रही हूँ प्राइमर, वैसे तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं, मगर मैं जो आज प्राइमर यूज कर रही हूँ वो एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी खूबसूरत सी पैकेजिंग है, ये बिल्कुल एलोवेरा ही लगता है। तो ये हम एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर भी है, ये आपको आम लोकल शॉप से भी मिल जाएगा, और अगर आप मार्ट से खरीदेंगे तो आपको 200 रुपीस का मिल जाएगा, लोकल शॉप से 140 या 150 तक का मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छे से जो है हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी जो है वो वेट नहीं रहता। तो मैं आपको इसको अप्लाई भी करके दिखा देती हूँ अपने स्किन पे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी सारे प्राइमर्स के साथ। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि अब हम अपने ना एक अपनी फाउंडेशन थोड़े हिस्से पे ऑरेंज पे अप्लाई करेंगे विदाउट दिस प्राइमर थिंग, और एक हिस्से पे हम जो है वो प्राइमर के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है उसका। ठीक है, सबसे पहले हम इसको उसके बगैर लगा के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो क्या इसको बोलते हैं बेस, वो हमारे ऑरेंज के ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो लग चुकी है, और कितने खड्डे खड्डे नजर आ रहे हैं, पोर्स नजर आ रहे हैं, जैसे ऐसे ही बिल्कुल जो बेस है वो हमारी स्किन पे लगी हुई नजर आती है। तो इसको आप कैसे पोरलेस बना सकते हैं, उसके लिए जो है हम प्राइमर यूज कर रहे हैं। प्राइमर अब हमने कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा सा हम एलोवेरा जेल ले लेते, बिल्कुल ड्रॉप। ठीक है, और इसको लेने के बाद हम थोड़े से हिस्से पे इसको अप्लाई करेंगे, इसको ड्राई होने देंगे। ठीक है,
प्राइमर लगाने के 5 मिनट्स बाद आपने बेस अप्लाई करनी है, उससे पहले अप्लाई नहीं करनी, ठीक है? या प्राइमर लगाने का फ़ायदा ये होता है बेसिकली कि ये हमारी स्किन में जो है अब्जॉर्ब नहीं होने देता हमारी फाउंडेशन को, बल्कि खुद हमारी स्किन में एज अ मॉइस्चराइजर अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके बाद जब हम उसके ऊपर बेस लगाते हैं तो वो बड़ी फिनिश सी लुक आती है और हमारी स्किन को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता और हमारी फाउंडेशन जो है वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अब हम इसके ऊपर अपनी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने विदाउट प्राइमर जो है वो अप्लाई की थी बेस, तो इसमें कितने सारे पोर्स हैं और अनइवन से हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा विजिबल हो रही है, बल्कि कुछ पोर्स जो हैं वो हमारे फिल भी नहीं हुए। जब मैंने इसके ऊपर प्राइमर लगाया तो प्राइमर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आया है। इसकी फिनिशिंग ज़्यादा है और इसकी फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर हमारे पोर्स जो हैं बहुत हद तक जो हैं वो फिल हो चुके हुए हैं। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ठीक है? ये हमारे पोर जो है इसमें प्रॉपर वे में जो है हमारी पोर के अंदर फाउंडेशन जो है वो फिल हो चुकी है। प्राइमर लगाने का यही फायदा है कि जब आप देखिए इस पर आपको इतने खड्डे जो है वो विजिबल भी नहीं हो रहे, जब शाइन भी आती है लाइट्स की वजह से शाइन आ रही है तो इतने ज्यादा खड्डे महसूस नहीं हो रहे, जब इस पर आ रही है शाइन तो आपको बहुत ज्यादा जो है खड्डे महसूस होंगे। तो यही फायदा है हमारा प्राइमर को अप्लाई करने का, और इस तरीके से हमारी जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल पोरलेस हो जाती है और बिल्कुल भी जो है वो बुरी नहीं लगती देखने में और बहुत अच्छी कवरेज जो है वो हमें मिलती है। तो अगर आप बल्कि ये एक तरीके से प्राइमर को चेक करने की टिप भी है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि ये प्राइमर अच्छा है या बुरा है तो आप इस तरीके से अपने प्राइमर को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आप और भी ऐसी मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। जब मैंने अपने वीडियोज़ बनानी शुरू की थी तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग मेरी एफर्ट को इतना अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल द पीपल, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे इतना अप्रिशिएट किया है। तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और आप अगर आप कोई अपनी रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, किसी चीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं, कोई मेकअप ट्रिक जानना चाहते हैं तो काइंडली प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।